कश्मीर घाटी के हंदवाड़ा में शहीद हुए नायक राजेश कुमार का पार्थिव शरीर आज सरदूलगढ़ स्थित उनके पैतृक गांव राजराणा पहुंचा। पंजाब के मानसा जिले के इस वीर जवान के शहीद होने की खबर जैसे ही गांव पहुंची, शोक की लहर दौड़ गई। राजेश 7 साल पहले फौज में भर्ती हुए थे। उनके परिवार में माता पिता, 2 भाई और 2 बहनें हैं। अपने बेटे की शहादत की खबर सुनकर माँ बाप पर जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। वहीं राजे के शहीद की कुर्बानी पर पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने राजेश के परिवार के एक सदस्य को नौकरी और 10 लाख रुपए की वित्तीय सहायता देने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने आतंकवादियों के इस काम को शर्मनाक और कायरतापूर्ण कार्रवाई बताते हुए कहा कि जब इस समय भारत और पाकिस्तान समेत पूरा विश्व कोविड महामारी के खिलाफ लड़ रहा है, पाकिस्तान की तरफ से सरहद पार ऐसे हमले जारी हैं। आतंकवाद को किसी भी समय अनदेखा नहीं किया जा सकता, लेकिन मौजूदा नाजुक समय में पाकिस्तान की ऐसी कार्रवाई शर्मनाक है। पाकिस्तान अपने निजी फायदों के लिए किसी भी मौके का प्रयोग करने के लिए तत्पर है। उन्होंने चेतावनी दी कि कोविड के विरुद्ध जंग के दौरान किसी को भी हमारे मुल्क की तरफ आंख उठाने की गलती नहीं करनी चाहिए। न्यूज़ डेस्क।